पूरा जंगल घर घर था इस गांव। तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर एकाध किलोमीटर आगे में जंगल है, जंगल है। तो पहले यहाँ का लोग जंगल गाछ वृक्ष को काट के ही गांव को बसाया था और एक मुर्गी को ढाप के रखा था यहाँ पर टोकरी के नीचे। तो सलाह इधर उधर टोकरी हिल रहा है, भाला इतना बड़ा पेशेंट लाया तो हम सलाह मजाक सोचता है, सलाह गांव का नाम बहुत बहुत बोलता है। जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है चाहे आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो सब में तो भूत ही रहता हो। हाँ भूत ही मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं आज आपको भूत दिखाऊंगा और भूत के बारे में बताऊंगा भी और वहां के लोगों से भी मिलवाऊंगा, वहां के लोगों से बातचीत कर सुनवाऊंगा कि भूत के लोग कैसे रहते हैं क्या करते हैं। चलिए फिलहाल तो मैं बता दूं कि मैं अभी खूंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के भूत गाँव में हूँ और भूत गांव के अखड़ा में खड़ा हूँ। देखिए ये अखड़ा है, हर तरफ आप हम आपको सबसे पहले तो यहाँ अखड़ा का एक नज़ारा दिखा देते हैं। आइए आगे आगे आ जाइए तो जरा अखड़ा का नज़ारा हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। ये देखिए अखड़ा चारों तरफ जो है यहाँ पत्थर लगाया गया है और इस तरफ घुमाइए तो पत्थर चारों तरफ दिखा देते हैं पहले, और आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो है बैठने की भी व्यवस्था अच्छा है। दरअसल ये माना जा रहा है कि ये जो है पुराने ज़माने में जब लोगों को कुर्सी नहीं होती थी बैठने के लिए तब इस पत्थर को लगाया गया है ताकि कुर्सी का काम कर सके, और वो एकदम ठीक जो लगाया गया है पत्थर तो कुर्सी से कोई कम नहीं है। ये देखिए पुराने ज़माने का कुर्सी कह सकते हैं आप इसे। अब जो है कुर्सी के अलावे हम बात करें तो अखड़ा क्या होता है, अगर आप खूंटी ज़िले से हैं या फिर शेड्यूल एरिया से हैं तो आप जानते होंगे कि अखड़ा क्या है, लेकिन आप खूंटी ज़िले के बाहर से देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि अखड़ा वो होता है जहाँ की गांव का एक प्रमुख जगह होता है और उस जगह पर ग्रामीण बैठकर मीटिंग करते हैं या फिर ऐसा कोई आयोजन हो उसी जगह पर करते हैं। और इसी तरह से जो है इस क्षेत्र में गांव वाले लोग हर गांव में आप देखेंगे कि ये एक अखड़ा होता है, इसलिए उस जगह का नाम अखड़ा कहा जाता है, अखाड़ा भी आप कह सकते हैं। तो अखड़ा का यही काम है कि ग्रामीण वहाँ बैठते हैं, ग्राम सभा होता है वहाँ, और ग्राम सभा के माध्यम से गांव की विभिन्न समस्याओं पर चर्चाएं होती है, विभिन्न मुद्दों पर बातें होती है, और जिसे कि अखड़ा कहा जाता है। हालांकि अखड़ा में जो है चटाई वटाई बिछा के भी लोग बैठते हैं जब यहाँ मीटिंग होता है तो, लेकिन पत्थर जो पुराने ज़माने में लगाया गया है ये काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि कैसा यहाँ ग्राम सभा होता होगा। अखड़ा जो होता है वो किसी विशालकाय पेड़ के पास नीचे ही होता है, जैसे कि यहाँ ये देखिए हम पेड़ दिखाएंगे, ये इमली का पेड़ है। मैं तो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन आप देखिए इसका अंदाज़ा लगाइए, वर्षों पुराना ये पेड़ है जिसके नीचे जो है बैठकें होती रही है। चलिए ये तो हो गया इस गांव का परिचय अखड़ा और यहाँ जो पत्थर था इसके बारे में, और अब मैं आपको बताता हूँ भूत। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भूत के बारे में बताऊँगा, भूत दिखाऊँगा और यहाँ के ग्रामीणों से बात करूँगा। स्थानीय ग्रामीण हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस गाँव का नाम जो है भूत क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, यहाँ पहले क्या कुछ था। सबसे पहले तो एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम है चमन मुंडा, स्वर्गीय एतवा मुंडा, पिताजी का नाम। अच्छा ये बताइए कि इस गांव का नाम जो है भूत पड़ा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कि इस गांव का नाम भूत रहा? इस गांव का नाम असल में भूत था, तो अंग्रेज लोग ने आया, पहले अंग्रेज लोग का शासन था ना, उसमें भूत को ही भूत कर दिया, राम दुर्ग कर दिया, भूत हो गया, यही चीज है। और मेन बात है कि मतलब पूरा जंगल घर घर था इस गांव, तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर एकाध किलोमीटर आगे में जंगल है, जंगल है। तो पहले यहाँ का लोग जंगल गाछ वृक्ष को काट के ही गांव को बसाया था और एक मुर्गी को ढाप के रखा था यहाँ पर टोकरी के नीचे। तो सलाह इधर उधर टोकरी हिल रहा है और गांव का नाम भूत है, तो अंग्रेज लोग को सलाह भूत को ही भूत करा दिया, कहे कि उसमें भूत दबक दिया, उसी में भूत ने राख दिया। अब तो खता खते सर्वे सेटलमेंट में भी रखा गया भूत है, तभी भी चल रहा है वही बहुत चीज।
लो ऐसा कोई और चीज नहीं था कि जिससे कि डरावना चीज हो या फिर लोग डर रहा हो उसके चलते भूत नाम पड़ा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं, था। कुछ ऐसा कुछ नहीं। हम एक ठो पेशेंट यहाँ से ले के गया था बरियातू मेडिकल में, जला हुआ था लड़की, तो नाम गाम को तो पूछ रहा है भूत ही ना बताओगे, तो इतना हमको डांट रहा है वहाँ का आदमी के लिए, नर्स लोग चाहे डॉक्टर लोग, भाला इतना बड़ा पेशेंट लाया तुम, साला मजाक सोचता है, साला गांव का नाम भूत भूत बोलता है। तो क्या आधा घंटा जैसा हमारा बासा बासी हो गया, बासा बासी होने के बावजूद खुट्टी के ड्राइवर को हम उसको खड़ा किया, और वो बोला सही में खुट्टी से 9 किलोमीटर दूर दूर पर भूत गांव नाम करके बसा हुआ है, सही भूत गांव करके बोल, तभी दिखा पड़ी चला, उसके बाद एडमिट हुआ उसको। मतलब कहीं कहीं कंफ्यूज भी हो जाता होगा लोग जब आप बताते अरे हैं। भाई भूत पड़े तो डर तो लगता है ना, भूत तो कोई भूत वो तो पूजा पाठ वाला होता है ना, इसलिए भूत पड़े से तो डरता हो, यही चीज है। अच्छा, आपके यहाँ जो है अखड़ा में देख रहे हैं काफी सारा पत्थर जो है, पत्थरगढ़ी तो इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन पत्थर सब है वहाँ। पत्थर है, देखिए ये तो हम लोग का कब्र स्थान तो अलग चीज है, और पहले बुजुर्गों लोग उसे कुर्सी उठती नहीं था ना, तो गांव का आदमी को हर त्योहार पर्व त्योहार में नाच गान अपना संस्कृत का नाच गान होता था, पर अपना पुरखौती का मृत्यु वाला मरा गया उसका यादगारी के लिए नाम रखा गया था, अच्छा और कब्र स्थान तो दूसरा जगह पर है, जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, दिखाई दे रहा है ना इसको भी, इस तरह का यहाँ भी एक ठू हम लोग पूरा मौजा का आदमी को सलाह करके इस मंडा को सम्मिलित किया और इसने को निर्णय किया, यही सब लिखा हुआ है यादगारी के लिए। यादगार के लिए। हाँ अच्छा, अब आप लोगों का जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, सब में तो भूत ही रहता होगा। हाँ भूते में रहता अभी भी है। अच्छा, आप लोग जैसे मान लीजिए कहीं रांची से आ रहे हैं, किसी ऑटो ड्राइवर को या किसी को बोलते होंगे, हमको पूछता होगा ना कहाँ जाना है, तो अब तो भूत ही बोलते एकदम होंगे, बोल तो बोलते हैं, उस लेकिन समय थोड़ा क्या सा प्रतिक्रिया होती हास है? लगता है, ये एरिया का तो आप लोग जान ही गए, मानी हाँ खोटी का भी जानते होंगे, रांची का भी जानते होंगे, अब जान गया पूरा, अभी तो हमारा आदमी लेकिन वो बाहर का लोग, जहाँ बाहर आप लोग जाते होंगे, तो वहाँ क्या तो प्रतिक्रिया होता है लोगों थोड़ा सा का? ताजुब लगता है, अभी तो अभी का यहाँ का आदमी कोई BDO है, CU है, सभी फौजी उजी में गया हुआ, काम धाम में गया हुआ है, सब लोगों भूते को ना तो एक लिखा बार है, भूत ही बोलना हाँ भूत पड़ता ही होगा लोगों का ना। बोलना, यही चीज है। इसको सुधार के लिए कभी सोचे हैं कि यही रहेगा? कभी तो सुधार के लिए तो अगर बनेंगे तो कैसे नहीं सुधरेंगे, प्रयास क्या है ग्राम सभा में? नहीं किया है अभी तो, चल ही रहा है, चल रहा है, लेकिन अब तो बहुत कोई आ रहा है, काहे रखा गया, काहे इसलिए पूछने के लिए, इसलिए अगर सुधार हो जाएगा तो सुधार किया जाए। मानो अच्छा, इस गांव का जो है अलग अलग टोला है कि एक ही टोला है? इस गांव का टोला में 5 को टोली होता है, भूत मौजा होता है, अच्छा, उस टोली में 102nd होता है PDD, और मनकु टोली कचा भूत, वो ये भी 5 टोली हो गए भूत के। भूत हाँ को मिल जाते हैं, 5 टोली, मतलब एक भूत है एक कच्चा भूत हाँ है। कचा भूत, कचा भूत को कैसे रखा, और इस भूत का जो पूरा पांचों गांव टोला को मिला के कितना आबादी हो जाएगा? 500-700 700 होगा। हम लोग एक ही जगह उठक बैठक करता है, मीटिंग वोटिंग करते हैं, मीटिंग सबका एक ही गांव में होता है, यहीं होता एक है, ही यही होता है, एक ही अखाड़ा में ना, एक ही जगह में। हाँ भले टोला अलग अलग हो। हर पर्व को मानो एक ही साथ मनाया जाता है, एक ही साथ सब चीज मानो यही मूड़ा पान पूजा पाठ उठ कर करता है, यहाँ का लोग पान है, मूड़ा लोग है, मनकी लोग है, वही सब ऐसा हम लोग को सरूल पर्व है, कर्मा है, सोहराई है, मागे है, टुसू है, सब सबको मानते हैं, जो हम लोग आदिवासी का संस्कृत है ना सबका बोलते हैं। सुधा में स्कूल है, अभी हाई स्कूल चल रहा है यहाँ हाई स्कूल यहाँ कच्चा भूत भूत में, में जो है हाई स्कूल भी है। हाई स्कूल भी है, 9 मिनट तक पढ़ा रहा है, और वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह सब सुविधा है, सब व्यवस्था है, सो आधार कार्ड फोटो वोटो सब यहाँ चलता है सब, और यहाँ का लोग छुट्टी आने जाने के लिए टेम्पो वेम्पो भी आने सड़क जाने सुविधा भी आप सब लोगों को अच्छा है? सब 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 सुविधा है, सब सरकारी सुविधा भी मिल रहा है, और सब कोई ले रहा है, यही बात है। चलिए,
एक समय था जबकि इस क्षेत्र में जो है नक्सल का बहुत प्रभाव था। उस समय नक्सल का प्रभाव यहाँ पर था, लेकिन यहाँ का आदमी तो नहीं था, बाहर बाहर का आदमी आक्रमण करता था। लेकिन उस पक्ष में हम लोग नहीं गया, अभी नहीं किया। हम लोगों को भी काफी प्रभाव पड़ता होगा, बहुत प्रभाव पड़ता था। रात को मीटिंग वोटिंग करता था गांव में, सब लोगों को परेशान करता होगा, परेशान करता था, डिमांड भी करता था, डिमांड भी करता था, जो थोड़ा मोड़ा काम करता था उसमें डिमांड भी करता था। ऐसे ग्रामीणों से जैसे कि यहाँ मीटिंग कर रहा है तो उस समय कोई डिमांड रहता था? डिमांड करता था कि हमारा पक्ष में लड़का लोग को भेजिए, ऐसा कीजिए, हर हमको मत बताइए पुलिस टुलिस कहीं के कैसा, वही सब। अभी के पंचायत का एक पहले एरिया कमांडर भी था, अभी हाल ही में एक साल पहले उसका मर गया वो लकापा। हम लोग से बड़ा परेशान था, पुलिस वाला भी हम लोग बहुत परेशान करता, कभी वहाँ हो जाता या छिपाने आता था। अच्छा, और कोई बता देगा तो उसका जाने खतरा है। वो लोग मुरुख था, कालिदास जैसा है। और बताइएगा उसका नाम सुना कौन बताया था, तब तो उसको छुट्टी होता, उसका सहयोग लोग लाएगा रात को, और पुलिस तो नहीं ना पीछा करेगा आपको। देखते हुए भी हम लोग नहीं बताते थे, जान के डरे। अब कैसा है? अभी तो ठीक है, अब तो परेशान नहीं, अभी परेशान नहीं, अभी सुनसान है, अभी सुनसान। चलिए तो पुलिस तो खबर कीजिएगा, तो पुलिस तो एक ही बार ना ड्यूटी आता है, 24 घंटे नहीं रहेगा, इसलिए अभी इलाका शांत है, अभी कोई डर भय नहीं है। अभी भूत मतलब भूत प्रेत जैसे बाघ वो हाथी उती का क्या क्या का वो सब का डर नहीं है, अभी आदमी का डर है, जैसे अभी कमांडर लोग बोलता था वही सब। अभी तो कुछ कुछ शांत, लेकिन आप बिल्कुल शांत, आप बिल्कुल शांत है तो वैसा कुछ अभी भी चोटपालू लोग चुहार चुहार पीने खाने वाला खलक करते हैं। खैर ये तो हमको लगता है चलता रहेगा, शायद चलता रहेगा, दूसरा अलसी हो जाता है ना। अभी तो ये तो फ्री है, हम लोग रात भर बैठते उठते हैं, कोई तकलीफ अभी दिन को रात को यहाँ भी सोते हैं। यहाँ पर लॉकडाउन में यहाँ भी सोते थे गर्मी का दिन में हम लोग, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं था। अच्छा, आपके गांव में कभी आता है जैसे अभी हम आए हैं, इसी तरह मीडिया वाले लोग तो आता ही होगा, पूछता हुआ? हाँ, बराबर आता जाता है, आते जाता है। बराबर आते जाता है, पूछता है, देखिए कहे रखा, यही सब। चलिए जितना जानते हो तो बता देते हैं, और नहीं जानते हो तो क्या कीजिएगा। चलिए बिल्कुल, अभी हम ग्रामीणों के साथ बैठे हैं, देखिए भूत में, दरअसल मैं भी भूत बोल रहा हूँ, भूत गाँव में बैठा हूँ, और यहाँ ग्रामीणों से जानकारी ले रहे थे कि आखिर जो है इस गाँव का नाम भूत क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इस पर आपका अब जो है आपकी आपको जानकारी उपलब्ध हो ही गया होगा, और आपके मन में जो शंका होगा भूत को लेकर वो दूर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। तुम्हारा? मेरा नाम आयुष मुंडा है। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सा क्लास? 6th क्लास। तो अभी तुम लोग इस जगह खेल रहे हो, बहुत सारा पत्थर है, क्या है ये पत्थर? पत्थर कुर्सी टाइप का है। अच्छा, कुर्सी टाइप का है, अखड़ा है ना ये वाला? जी। यहाँ मीटिंग होता है? जी। तुम लोगों का इस गाँव का क्या नाम है? भूत। भूत तो डर नहीं लगता है भूत से? लगता है, भूत से डर लगता है। स्कूल में भी तुम लोग भूत नहीं लिखाते होगे गांव का नाम? जी। तो लोग तो बच्चे लोग और मजाक नहीं कर रहा है? नहीं, नहीं करता है ना? नहीं, लोगों को आदत हो गया है, चूंकि इस क्षेत्र के लोग, खूंटी आसपास के लोग जो है भूत गाँव को जानने लगे हैं कि किसी गाँव का नाम भूत है, इसलिए जो है यहाँ के लोग तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आश्चर्य नहीं करेंगे इधर का लोग, लेकिन बाहर के लोग जब सुनते हैं अचानक से कि भूत, तब उन्हें जो है बहुत आश्चर्य होता है, भूत क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको भूत दिखाऊंगा, तो भूत गाँव दिखाता हूँ मैं, वो भूत नहीं दिखाऊंगा जिससे आप डर जाएं। चलिए हम आपको गाँव का नज़ारा, यहाँ से पूरा गाँव का नज़ारा नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ एक बार दृश्य दौड़ा देते हैं। इधर ये देखिए घर, इस गाँव का घर, इधर भी ये अखड़ा है, इसके अलावा इस तरफ घर सब जो है, और इस तरफ भी देखिए आज भी पुराने ज़माने का खपड़े का मकान है, यहाँ दिखा देता है, इधर देखिए हर तरफ खपड़ा ही का मकान अभी मिलेगा, क्योंकि सरकार का जो कल्याणकारी योजना है वो तो यहाँ आ ही रहा है, जिसमें बिजली पानी वो इस गांव तक पहुँची गई है, लेकिन जो है अभी भी इस गांव में लोग आवास योजना के तहत लाभ पाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें आवास योजना का लाभ मिले।
खैर अब जो है सरकारी योजना धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगी है, यहाँ के अधिकतर लोग किसान हैं, खेतीबाड़ी कर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, और अब जो है यहाँ के लोगों को इंतजार है कि सरकारी योजना अधिक से अधिक इस गांव में आए ताकि गांव विकसित हो और तो भूत जो है और प्रसिद्ध हो। तो फिलहाल तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।